अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बेसिक हेन्ना की रेसिपी देखेंगे। इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, प्योर नीलगिरी ऑयल की पहचान कैसे करें। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो देर किस बात की है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़े। सबसे पहले हेन्ना पाउडर, ये है नेचुरल ऑर्गेनिक लग्जरी हेन्ना पाउडर। इसके अंदर ऐड करेंगे हम शुगर और सबसे अहम नीलगिरी या यूकलिप्टस ऑयल। हेन्ना पेस्ट बनाने के लिए हम पानी, नॉर्मल वाटर यूज़ करेंगे। सब इंग्रेडिएंट्स मेज़र करने के लिए एक ही साइज़ वाला स्पून का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं यहाँ पर ये छोटे साइज़ वाला स्पून ले रही हूँ। इस तरह के स्मॉल साइज़ वाले स्पून्स आपको किसी भी प्लास्टिक कंटेनर बॉक्सेस में इजीली मिल जाएंगे। अनदर स्पून स्पैचुला, अगर आपके पास ये रहा तो हेन्ना पेस्ट को मिक्स करना आसान हो जाएगा। प्रोसेस की तरफ देखेंगे, मैंने बताया हुआ छोटा सा स्पून, वही स्पून से 10 स्पून यानी 10 स्पून हेन्ना पाउडर को ले लिया है। उसके अंदर मैं ऐड करूंगी वही स्पून के मेजरमेंट से 2 स्पून शुगर। यहाँ पर आप शुगर के रिप्लेस में शुगर का फाइन किया हुआ पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों को एक बार मिक्स करके हम पेस्ट बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग मेरे पिछले वीडियोस में देख चुके होंगे कि हेन्ना पेस्ट को मिक्स करते वक्त मैं ज़्यादा से ज़्यादा टी डिकॉशन या कॉफ़ी डिकॉशन का यूज़ करती हूँ, बट आज हम उसके रिप्लेस में डायरेक्ट पानी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं पेस्ट बनाने के लिए। हाँ जी, क्योंकि आज हम यूज़ कर रहे हैं हेन्ना स्टेन डार्क आने के लिए पावरफुल यूकलिप्टस या नीलगिरी ऑयल। प्योर ओरिजिनल वाला नीलगिरी ऑयल का ही यूज़ कीजिएगा। तो इसको हम किस तरह चेक करते हैं प्योर है या नहीं, वीडियो के एंडिंग में वो क्लिप आप लोगों से शेयर करूंगी। तो जी, ये तीन इंग्रेडिएंट्स ही काफ़ी है हेन्ना स्टेन डार्क आने के लिए बेसिक। हेन्ना पाउडर क्वालिटी वाला चूज़ करें, शुगर जिसे के हेन्ना हमारे हाथों पर अप्लाई करने के बाद स्किन को चिपक के लॉन्ग टाइम तक रहती है। नेक्स्ट प्योर ओरिजिनल नीलगिरी ऑयल, जिसे के हेन्ना स्टेन डार्क आने में बहुत हेल्प होता है। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है, इसको सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जितने भी हम इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं वो एक दूसरे से अच्छे से मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पर डबल लेयर करते हुए इसको पैक करके 4 से 5 घंटे के लिए इसको साइड में रख दूंगी। हाँ जी, 4 घंटों के बाद ये देखें, हमारा हेन्ना पेस्ट रेडी हो गया है अप्लाई करने के लिए। अब हम इस स्पैचुला की हेल्प से हेन्ना पेस्ट को अच्छे से फेटेंगे। इस स्टेप पर अगर आपको हेन्ना पेस्ट की कंसिस्टेंसी टाइट दिखी तो यहाँ पर आप बस थोड़ा सा लिटिल अमाउंट में पानी ऐड कीजिएगा। वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा मत ऐड कीजिए, बस थोड़ा ही ऐड करें, क्योंकि आपको फेटना आसान हो जाएगा और पेस्ट की कंसिस्टेंसी भी स्मूथ एंड सिल्की होते जाएगी। ऐसा सोच के आप ज़्यादा अमाउंट पानी मत डाल दीजिएगा, फिर से हेन्ना पेस्ट की कंसिस्टेंसी लूज हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर से आप इसके अंदर हेन्ना पाउडर को मिक्स करना पड़ेगा, फिर से प्रोसेस स्टार्टिंग में आ जाएगा। स्पून से मिक्स करते हुए एक बार आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देखें, कितनी स्मूथ एंड सिल्की हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस हेन्ना पेस्ट को हम पाइपिंग बैग के अंदर फिल करेंगे। एम्प्टी पाइपिंग बैग को इस तरह कोई भी एक जग के मॉडल के अंदर रख के इस तरह ओपन करें, जिसकी वजह से हम हेन्ना पेस्ट को फिल करना आसान होगा। मैं यहाँ पर स्मॉल साइज वाला पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमारा हेन्ना पेस्ट भी थोड़ा अमाउंट में ही है। तो फ्रेंड्स, अब हम ये स्पैचुला स्पून की हेल्प से
बाउल में हेना पेस्ट जहां कहीं भी लगा हुआ हो, साइडों में, कॉर्नर्स में हेना पेस्ट को इक्वल से साफ करके निकालने में ये स्पैचुला बहुत हेल्प करता है। नॉर्मल स्पून्स के हेल्प से इस तरह क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखें जी, बाउल कितना साफ हो गया है। हेना पेस्ट को फेंटने के लिए इस तरह अच्छे से क्लीन करके फिल करने के लिए ये स्पून बहुत हेल्प होता है। नेक्स्ट, इस तरह हम बैग को क्लोज करके जिसके अंदर हमने रखा हुआ था उसको निकाल कर एक बार पूरा हेना पेस्ट को इस तरह नीचे पुश करके हम यहाँ पर कोई भी एक बैंड घर पे रहने वाला उसको लगा के सील कर देंगे। ये पाइपिंग बैग्स आपको ऑनलाइन में अमेजन फ्लिपकार्ट में भी इजीली मिल जाएंगे। इसमें दो टाइप के होंगे, बड़े साइज वाले और छोटे साइज वाले। ये हमारा पाइपिंग बैग में भरा हुआ है ना पेस्ट, और ये देखिए बाउल। नेक्स्ट कोन्स की तरफ चलेंगे। मैं सेलो शीट से इस तरह प्रीकट्स पहले ही प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी ऑर्डर आए तब इस तरह प्रीकट्स निकाल के कोन्स बनाना आसान हो जाएगा। सेलो शीट को प्रीकट्स किस तरह बनाए, कोन फोल्डिंग, रोलिंग, पैक करना, इसके अंदर हेना पेस्ट को फिल करना, फिल करने के बाद कोन को किस तरह पैक करते हैं, ये सब कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। अगर आप लोगों को डिटेल में वीडियो चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये हमारे दो कोन और ये हमारा हेना पेस्ट। अब चलते हैं फिलिंग के तरफ। पाइपिंग बैग के निप के पास थोड़ा सा कट कर लीजिए और कोन्स के अंदर पेस्ट को फिल करते जाइए। यहाँ पर आप बिजनेस पर्पस सेल के लिए कोन्स को फिल कर रहे हैं तो आपको वेट मशीन की जरूरत पड़ती है। अब फाइनल में फिल किए हुए कोन्स को हम पैक कर देंगे। कोन्स को रोल करते वक्त, हेना पेस्ट फिल करके पैक करते वक्त स्टेप बाय स्टेप सेलो टेप की ही ज्यादा जरूरत होती है। एक एक कोन के अंदर हम कितना हेना पेस्ट फिल करते हैं ये जानकारी के लिए हमें वेट मशीन की जरूरत होती है। मैं यहाँ पर सेल्फ पर्पस अपने लिए ये कोन्स प्रिपेयर कर रही हूँ, तो यही रीजन है कि मैंने कोन्स के अंदर हेना पेस्ट को फिल करने के बाद उसका वेट नहीं चेक किया। घर के मेंबर्स के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस तरह के अगर सेलो शीट्स अवेलेबल ना हो तो प्लास्टिक कवर से भी कोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। पाइपिंग बैग्स को भी हम घर पर ही प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली, जैसे मिल्क या ऑयल पैकेट से। फाइनल में ये दो कोन्स रेडी हो गए हैं, और देखें ये पाइपिंग बैग, इसका बैंड फिर से हम रीयूज करने के लिए निकाल देंगे। फाइनल स्टेप होगा, हम चेक करेंगे इसका स्टेन। अप्लाई करने से पहले सेलो टेप को निकाल दें और थोड़ा सा निप के पास कट कर लें। मेहंदी हमारे हाथ पर थोड़ा सा सूख जाने के बाद रिमूव करके देखें, ये देखें जी फ्रेश स्टेन एकदम लाइट ऑरेंज कलर में आया हुआ है। फ्रेश स्टेन हेना का लाइट ऑरेंज कलर में आएगा, इसका ये एक सिंबल होता है कि हमारा हेना पेस्ट परफेक्ट है। हम इसको अपने हाथों पर यूज कर सकते हैं, इसे डार्क स्टेन आएगा, तो आप भी इस तरह चेक करने के बाद ही उसको अपने हाथों पर अप्लाई कीजिए। नीलगिरी ऑयल या यूकलिप्टस ऑयल प्योर है या नहीं, एक वाइट पेपर या टिश्यू पेपर लेकर जस्ट 2 से 3 ड्रॉप इस तरह स्प्रेड करके डाल दीजिए। ये सूख जाने के बाद पेपर का पोजीशन पहले जैसे होगा, यानी सारा ऑयल एवोपरेट होके नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, उसका मतलब है प्योर यूकलिप्टस यानी प्योर नीलगिरी ऑयल। अगर पेपर पर ऑयल का धब्बा दाग रह गया तो वो होगा ऑर्डिनरी यानी मार्केटों में मिलने वाले छोटे छोटे डिब्बी वाले ऑयल्स। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखें जी, कंप्लीट से सूख जाने के बाद पेपर की पोजीशन फिर पहले जैसे आ गई। हेना स्टेन डार्क आने के लिए ये सब कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, हेना क्वालिटी और नीलगिरी ऑयल प्योर है या नहीं। फिर बाद में मत कहना कि जोया हमारा हेना तो कलर ही नहीं आया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।